डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के AIU रिसर्च कॉर्नर प्रोग्राम में हमारे साथ जो रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब हैं। आप AIU MPhil हिस्ट्री के एलुमनाई हैं और PhD स्कॉलर हैं हिस्ट्री में अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज में। सर, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि आपका MPhil का रिसर्च का टॉपिक क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये एक अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी रिसर्च को लोगों के साथ शेयर कर सकें। जैसा कि आपने कहा कि आपका टॉपिक क्या था, तो मेरा टॉपिक था कि हैदर बख्श जतोई सोशो पोलिटिकल स्ट्रगल। हैदर, ये बेसिकली एक बायोग्राफी है, केस स्टडी है, जिसके जो हैदर बख्श जतोई है उनका ताल्लुक सिंध के डिस्ट्रिक्ट लाड़काना बखोदेरों से, आप वहीं से अली आपकी एजुकेशन है, और उसके बाद आपने जो है वो तालीम हासिल की, उसके बाद आप कराची जो DJ कॉलेज, साइंस कॉलेज है, वहाँ से ग्रेजुएशन की, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप एज ए मुख्तियारकार, जिसको हम तहसीलदार कहते हैं पंजाब में, सिंध में मुख्तियारकार उसको कहते हैं, तो उन्होंने जॉब इख्तियार की। आपको पता है कि इन्होंने 1930 में सिंध हारी कमेटी बनी, तब उन्होंने अब माली तौर पर उन्होंने सपोर्ट किया, और उसके बाद जो है वो ये एक हद से हद तक जो है वो किसी हद तक जो है वो उसके साथ वाबस्ता भी रहे हैदर बख्श जतोई साहब, और उसके बाद जो है उन्होंने 1945 में सिर्फ इस काज के लिए, हारियों के किसानों के काज के लिए, इनकी जो है वो सर्विसेज के लिए इन्होंने अपनी जॉब से एज ए डिप्टी कलेक्टर के ओहदे को ब्रिटिश गवर्नमेंट में रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करके अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया। तो बेसिकली आपकी जो स्टडी थी वो हैदर बख्श जतोई साहब की जो सोशो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी उसको आपने मंजर आम पे लेके आना था, ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव था। तो सर, ये बताइएगा कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया, आपके जहन में क्यों ख्याल आया कि हैदर बख्श जतोई साहब की जो सोशो पॉलिटिकल स्ट्रगल है इसको हाईलाइट किया जाए। इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमने देखा कि हमारे यहाँ पे जो टेंडेंसी है, जो रुझानात है रिसर्च में, मैंने देखा लोगों के थीसिस को देखे अपनी रिसर्च पोस्ट वर्क ख़त्म करने के बाद, तो सब लोग जो है वो किसी मेन इम्पॉर्टेंट जो ऑलरेडी फेमस पर्सनालिटी है उसी पे ही एक हल्का फुल्का काम करके उसको एक जस्ट ख़त्म कर देते हैं। तो वो मैंने नहीं सोचा, मैंने सोचा मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जिसकी कोई स्टूडेंट के सामने उनकी कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट भी किया जाए और एक नए पहलू के ऊपर काम किया जाए। मसलन ये सबाल्टर्न क्लासेस हैं जिनके ऊपर लोगों ने बहुत कम काम किया, हैदर बख्श की इतनी बड़ी सर्विसेज हैं, उन्होंने इतनी बड़ी खिदमात हैं, और उसको हम जैसे ज़ाहिर हमारे ये रियल हीरोज़ हैं, और इनके बारे में हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स को इसके बारे में पता हो कि इन्होंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए, डिफरेंट सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं, तो इन्होंने अपनी किस तरह की कंट्रीब्यूशन दी है, ये मेन फोकस था। ठीक है, नोवाइस टॉपिक आपने लिया कि जो ऑलरेडी जो यूजुअल टॉपिक्स चल रहे थे उनसे हट के आपने एक टॉपिक लिया। ये बताइएगा कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या थे, आपने टारगेट क्या रखा था अचीव करने? मैंने टारगेट जो रखा था वो ये था कि मैं चाहता था कि एक तो इनकी जो सर्विसेज हैं उनको लोगों के सामने लाया जाए, और दूसरा हमें हमारे दूसरा जो रियल हीरोज़ हैं, जो सन ऑफ द सॉइल हैं, उनको जो है वो जो है एक्सप्लोर किया जाए, उनकी कंट्रीब्यूशन को लोगों के सामने बताया जाए, ये टारगेट से। दूसरा ये कि इन पर जो हैदर बख्श जतोई साहब हैं, इनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और इनकी इतनी बड़ी सर्विसेज को कहीं भी इनके ऊपर कोई बायोग्राफी नहीं है। सिंधी में तो इनके ऊपर काम हुआ है, अलबत्ता जो इंग्लिश के ऊपर इनकी कोई जाम है नहीं। अब मेरा प्लान है, जैसे मेरी सुपरवाइज़र डॉक्टर कौसर परवीन थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये इतनी अच्छी रिसर्च है, हम इसको जो है वो पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह। अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफ़र भी की है कि इस थीसिस को हम पब्लिश करेंगे। दिस इज़ वेरी गुड थिंग, ये तो अप्रिशिएट है। मुझे याद है कि जब मेरा हो रहा था तो बासिर साहब ने, काफ़ी लोग थे जो उस कमेटी के मेम्बर थे, उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको इंशाल्लाह पब्लिश करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए
कौन सा रिसर्च डिज़ाइन या मेथड आपने चूज़ किया? देखिए, मेरा जो मेथड था वो था जो है वो तो हमारा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव नेचर स्टडी की, और इसमें हमने जो है वो नैरेटिव है, एक केस स्टडी हम इसको कह सकते हैं, जो डिज़ाइन केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन आपने चूज़ किया, जिसमें आपने हैदर बख्श जुतई को एज ए केस लिया और उनको थॉरली स्टडी किया। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपने इन डिफरेंट जो डाटा कलेक्शन के टूल्स यूज़ किए, वो कौन कौन से टूल्स थे जिनसे आपने डाटा लिया? मेरे जो टूल्स थे वो एक तो जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेज, तीनों को मैंने यूज़ किया। और प्राइमरी सोर्सेज जो थे मेरे हैदर बख्श जतोई के अपने बहुत सारे जो सोशल इशूज़ हैं उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे, इस तरह एक हिस्ट्री में जो मार्टिन लूथर जो थे सीनियर, एक तो जूनियर थे मार्टिन लूथर और एक सीनियर मार्टिन लूथर्स के जो सबसे अहम चीज़ थी उनके पैम्फलेट्स थे, तो इन्होंने भी अपने एक रेवोल्यूशनरी पैम्फलेट्स लिखे बहुत सारे उस सिंध के डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर, वो प्राइमरी सोर्स थे। दूसरी इनकी जो है राइटिंग्स हैं, इनकी पोइट्री है, इन्होंने हारी इशूज़ को लिखा, इन्होंने हारी स्टोरीज़ को लिखा मसलन। फिर हैदर जो सिंध हारी कमेटी के ये प्रेजिडेंट थे, तो उनका जो जो ऑफिस रिकॉर्ड है वो सिंधी में था, मुझे ट्रांसलेशन करना पड़ा तो वो भी मैंने उसको लिया। उसके अलावा इनकी जो फर्जंद वगैरह थे या इनकी फैमिली थी उनके इंटरव्यू किए गए, और उसके अलावा सिंध के अंदर ऐसे काफ़ी पर्सनालिटीज़ अभी मौजूद हैं जिन्होंने सिंध हारी कमेटी में हैदर बख्श जतोई के साथ काम भी किया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिली, शोभो ज्ञान चंदानी एक सिंध में राइटर्स है और बड़ा ज़बरदस्त हिस्टोरियन भी है, राइटर है, उन्होंने सोशल इशूज़ पर बहुत काम किया है, उनका एक और हैदर बख्श जतोई का ऑडियो के अंदर जो है वो एक इंटरव्यू मौजूद था जो उन्होंने हैदर बख्श जतोई से किया था, वो ऑडियो कैसेट्स में भी है और बहुत सारे मैगजीन और न्यूज़पेपर ने उसको पब्लिश भी किया, वो भी मेरे लिए था। दूसरा सेकेंडरी सोर्स से फिर गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स थी, पुलिस रिपोर्ट्स थी और गजट थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट्स थी, फिर अखबारात वगैरह को कंसल्ट किया और इंटरव्यूज़ वगैरह कराए गए, और उसके अलावा जो बुक्स थी सेकेंडरी सोर्सेज थे, कुछ एक किसी शख्स ने सिंध हारी कमेटी पे काम किया है, स्टूडेंट हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उनके थीसिस को भी देखा, इस तरह जो है वो एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी किसी स्टूडेंट ने काम किया उसको भी देखा, तो इसी तरह इन चीज़ों को हमने जो है। चलिए, ये तो आप बड़ा पॉजिटिवली, आपने इतना डिफरेंट सोर्सेज से डाटा लिया जिसमें इंटरव्यूज़ भी थे, जिसमें उनके लिखे हुए जो पम्फलेट्स थे, उनकी शायरी थी, डिफरेंट थीसिस आपने देखे, उनके कोलीग्स जो आसपास थे उनके इंटरव्यूज़ आपने किए, अखबारात को भी आपने इस्तेमाल किया, तो ये इतना जो बल्क में डाटा है इसका आपने कैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस किया, क्या आपने किया इसमें? देखिए, इसमें जो ज़ाहिर है हमारी जो जो डिज़ाइन था स्टडी का या जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टडी थी, तो मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्टडी थी पहला चैप्टर जो था वो अर्ली लाइफ के ऊपर था, ठीक है, हैदर बख्श जतोई की अर्ली लाइफ, उसकी कंट्रीब्यूशन एज ए सर्विस में, एज ए वो डिप्टी कलेक्टर थे, मुख्तियार कार रहे, तहसीलदार रहे, वो सर्विसेज का जो रिकॉर्ड था उसको मैंने ज़ाहिर अलग तरीके से उसको स्टडी किया, उस पोर्शन के अंदर फिर उसको एनालिसिस करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जो है वो जो है मैंने लिखा वहाँ पे उसको एनालिसिस किया। इसी तरह जो सेकंड चैप्टर था मेरा सोशो पोलिटिकल सोशल स्ट्रगल के ऊपर था, उसमें जो टेनेंसी लॉज के ऊपर जो जो मटेरियल मुझे मिला या इंटरव्यूज़ में मुझे पता चला, या जो किसानों के बारे में मूवमेंट थी, हारी अलाटी तहरीक थी, लैंड अलाटमेंट थी, उसको उस पोर्शन के अंदर जो है एनालिसिस किया। यानी आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया पूरा थीसिस के अंदर कि जो हैदर बख्श जतोई साहब के हवाले से आपने कुछ पहलू बना लिए और मुख्तलिफ सोर्सेज से जो डाटा आपको मिला आपने उन पहलुओं के अंदर फिर एडजस्ट किया। बिल्कुल, एडजस्ट, तो इसको हम इंडक्टिव एनालिसिस कहते हैं। इंडक्टिव एनालिसिस लॉजिक ऑफ रीजनिंग पे हमने इसको ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। तो इसमें मैंने कोशिश यही की कि जहाँ जैसे जो चौथा मेरा तीसरा चैप्टर था पोलिटिकल स्ट्रगल के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने जो उनकी पोलिटिकल स्ट्रगल थी स्पेशली, क्योंकि ये हारी कमेटी जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको इन्होंने बाद में जो एक पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील कर दिया, खासतौर पर स्पेशली एंटी वन यूनिट फ्रंट इन्होंने बनाया और दूसरी जितनी बड़ी एंटी वन यूनिट फ्रंट्स बने उन्होंने इनमें मेजर कंट्रीब्यूशन किया। और दूसरा हैदर बख्श जतोई का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि वो उस तरह के नेशनलिस्ट नहीं थे, आज उनको काफ़ी लोग ये जानते हैं कि शायद ये नेशनलिस्ट थे। आप एक मिसाल मैं देता हूँ कि हैदर बख्श जतोई जब सिंध के जो जागीरदार फ्यूडल्स एक साइड पे थे एंटी फन यूनिट वन यूनिट फ्रंट में, तो वो हैदर को जो है ना वो हैदर उनके बारे में उनको इख्तलाफी राय रखता था,
ठीक है। हैदरबख्श जैतक जैतक कहता था कि जो लैंड्स है ना ये सिंधी हारिस को भी दी जाए और महाजर हारिस को भी दी जाए, सही है, चाहे वो महाजर हों, पंजाबी हों, पठान हों, कोई भी हों, पर वो हारिस हों, फार्मर्स हों, उसको दी जाए, इन जागीरदारों वडेरों से जागीरें ख़त्म की जाएँ, उनको दी जाएँ। तो वो इस तरह के नेशनलिस्ट नहीं थे, तो वो एक अपनी इस क्लास बेस्ड के ऊपर बेस करते, या जो सोशलिज़म की बात करते थे, कम्युनिज़म की बात करते थे, उस अपने एक थ्योरी के ऊपर ही वो काम करते थे उनकी आर्गेनाइजेशन। अच्छा, एनालिसिस के हवाले से डियर स्टूडेंट्स आपको मज़ीद यहाँ पर रिट्रेट कर दूँ कि जब आपके पास क्वालिटेटिव सोर्सेज से डाटा आता है, वो इंटरव्यूज़ हों, वो चाहे रिपोर्ट्स हों, लेटर्स हों, न्यूज़पेपर के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों, तो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें एन वीवो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव कोडिंग्स करते हैं, आप एक्सियल कोडिंग करते हैं, आप थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, और उनके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं कि फ़र्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सेकंड में क्या किया। तो आपके पास जब भी क्वालिटेटिव एनालिसिस करना हो तो आपके पास आजकल मैनुअल की बजाय अगर आप सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारा इनरिच्ड जो है ना वो डाटा एनालिसिस हो जाता है। अच्छा सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो हैदरबख्श जतोई के हवाले से क्या मेजर फाइंडिंग किया उनकी निकाले? मेजर जो फाइंडिंग है उनकी, उनका जो स्पेशल जो कंट्रीब्यूशन था टेनेंसी लॉ के हवाले से, ठीक है, जो सिंध के अंदर 1950 में, जो क्योंकि सिंध काफ़ी अर्सा बम्बई प्रेसिडेंसी के अंडर में रहा है, ठीक है, तो सिंध में जो कवानीन थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी के चलते थे, टेनेंसी लॉ बम्बई के। तो एक तो बड़ी फाइंडिंग उनकी ये थी कि उन्होंने टेनेंसी लॉ पास करवाए सिंध के अंदर, जो अभी भी सिंध में चल रहे हैं। दूसरे उनकी फाइंडिंग ये थी कि उन्होंने जागीरदारी और ज़मींदारी बिल पास करवाया सिंध असेंबली से अपने उस। तीसरा जो है उन्होंने हारी को मोबिलाइज़ किया और किसानों की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और उनके अंदर पॉलिटिकल मोबिलाइज़ किया गया, ये बजाय वो कामयाब तो उसमें नहीं हो सके पर उन्होंने एक तरह से मोबिलाइज़ दिया, कोशिश की और उनका फ़ायदा नेक्स्ट जो है ना वो पीपल्स पार्टी ने उठाया। जब भुट्टो ने अपनी सियासी जमात बनाई तो हैदरबख्श जतोई का 70 में इलेक्शन जो डेथ हो चुकी थी, तो वही जो क्लास थी जो हैदर ने मोबिलाइज़ की थी वर्कर्स की फार्म, वो शिफ्ट हो गई पीपल्स पार्टी में, मर्ज हो गया क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो नारा भी उसी बेस के ऊपर था, तो वो उधर शिफ्ट हो गई, तो उनको फ़ायदा हुआ पर पॉलिटिकली उसने बहुत ज़्यादा उसको मोबिलाइज़ किया। अच्छा, कोई रिकमेंड करना चाहेंगे आप बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स या फिर फ्यूचर रिसर्चर्स को आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहें? मैं ये देना चाहूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर काम नहीं हुआ। मैंने तो एक जस्ट बायोग्राफी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है उनको मैंने लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अभी इसमें जैसे हारी अलाटी तहरीक है, ये एक अलग तहरीक थी, एंटी हारी एंटी क्लेम्स मूवमेंट थी, ये अलग क्लेम मूवमेंट थी, बेराज लैंड्स के खिलाफ मूवमेंट थी, वो एक अलग मूवमेंट थी, उसके ऊपर काम थी, पूरे पूरे थीसिस हो सकते हैं। अच्छा, ये सारे एरियाज हैं, ये ऐसे एरियाज हैं जिनके ऊपर काम हुआ ही नहीं है। ये अभी हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं ना, अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद सिंध हारी कमेटी का मकसद वो जस्ट एसोसिएट विथ हारिस, नहीं, इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट पोलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर भी काम किया, नेशनल एस्पेक्ट पर भी काम किया। लैंग्वेज़ को, लैंग्वेज जो है आपको पता है वन यूनिट जब बनी तो उसका सबसे पहले 1947 में कराची को जब सिंध से अलग किया गया तो वहाँ कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी लैंग्वेज को बैन किया गया था, तो उन्होंने वो सिंधी लैंग्वेज की बहाली के लिए एक मूवमेंट चलाई। तो इसमें टेनेंसी के हवाले से, सोशल इशूज़ के हवाले से, फिर सिंध के अंदर वन यूनिट में हायर टैक्सेशन लगे, ठीक है, वन यूनिट बन गया, वेस्ट पाकिस्तान पूरा एक प्रोवेंस बन गया, तो उसमें सिंध के पूरे जो है सूबों के अंदर जो इंटरनल प्रोवेंसेस थे उनमें मतलब सिंध के अंदर हायर टैक्सेशन थे, उसके कंपेयर खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब में कम टैक्सेशन थे। तो उस टैक्सेशन के हिसाब से भी आप कर सकते हैं अलाटमेंट, जो सिंध इस अयूब खान के दौर में गुड्डू बैराज बना या उससे पहले जो है कोटड़ी बैराज बना, तो उन बैराज की जो अलाटमेंट्स हैं उसको भी देखा जा सकता है। ये काफ़ी सारे आपने बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो अभी रिसर्चेबल हैं जिनको रिसर्च फिर, किया जा सकता। फिर आप मौजूदा कंडीशंस को भी आप देख सकते हैं ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आपकी रिसर्च का सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा? देखिए, मेरी रिसर्च का जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये हमारे सन ऑफ द सॉयल रियल हीरोज हैं और इनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने मसलन इन्होंने जो एक सिर्फ हैदरबख्श जतोई वो वाहिद आदमी था, आपने शायद हिस्ट्री में नाम सुना हो बख्तावर शहीद का, शहीद बख्तावर माई बख्तावर शहीद, वो ऐसी किसान खातून थी जिसने अपने अनाज को उठाने के लिए
कि वो ज़मींदार को रोका, वो बटाई मूवमेंट थी। अब वो एक और पहलू है बटाई मूवमेंट वाला, उसके ऊपर भी काम हो सकता है। तो उसको उसने उसके दौरान वो किस जो जागीरदार था वो उठाने के लिए आया, तो उससे रेजिस्टेंस हुई, वो शहीद हो गई। अच्छा, वो वाक़या वहीं तक महदूद था। ये हैदर की कंट्रीब्यूशन है कि उस वाक़े के ख़िलाफ़ उसने FIR करवाई, FIR करवा के केस लड़ा और उस बंदे को फांसी की सज़ा दिलवाई। तो ये एक बहुत बड़ा उसका एक कंट्रीब्यूशन था। और दूसरा कि दूसरा हमने उन चीज़ों को बताना है लोगों को कि ये हमारे जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जो लेबर हैं, जो वर्कर हैं, जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो मिनॉरिटीज़ के लोग हैं, बस ये इनकी एक मिसाल देता हूँ। जब पार्टीशन हुआ तो जितनी भी मुस्लिम लीग या दूसरी पार्टीज़ थी, वो अपने अपने सेक्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से अपने सपोर्टर्स को फॉलो कर रहे थे। कांग्रेस भी उकसा रही थी लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये वाहिद कम्युनिस्ट पार्टी और सिंध हारी कमेटी या हैदर बख्श जतोई ऐसी अप्रोच थी जो वो कम्युन जो हारमोनी बोर्ड बना रहे थे, कम्युनल हारमोनी बोर्ड बना रहे थे, पीस बोर्ड बना रहे थे। पीस बोर्ड का मतलब है वो सिंधी हिंदुओं से, नॉन मुस्लिम से अपील कर रहे थे कि आप ना जाएँ, आप यहाँ रहें, यह आपका अपना वतन है, आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी, आप क्यों छोड़ते हैं अपने आबाओ जद्द वतन। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो हमने नेगेटिव एस्पेक्ट माजी के बारे में हमारे हैं कि हिंदू बुरा था या हम सोचते हैं कि यहाँ सब लोग बुरे थे, ऐसा नहीं है। तो ये सोसाइटी के अंदर जो एक गैप्स हैं या कन्फ्यूजन्स हैं पास्ट के बारे में, वो दूर हो सकते हैं अगर अगर रियल मानों में हम अपने निचले तबकात की हिस्ट्री हमारे बच्चों को पढ़ाएं, तो हम उससे काफ़ी चीज़ें माशरे में जो आजकल जो वायलेंस जो डॉक्टर साहब वायलेंस नज़र आता है, जो टॉलरेंस ना होने ना नहीं है, इनटॉलरेंस है, उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने की। और मेरा ख्याल है आजकल जितना सोशो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस भी होते हैं सोसाइटी के अंदर, और आजकल बहुत ज़्यादा हर जगह पे आप जाएं, बाज़ार में जाएं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, तो आपको पॉलिटिकल डिबेट्स होती नज़र आती हैं। तो अगर मेरा ख्याल है कि हैदर बख्श जतोई साहब की जो एफर्ट्स हैं और स्ट्रगल है उसको स्टडी किया जाए, तो काफ़ी सारे पहलू लर्निंग के वहाँ से निकल सकते हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन को और बेहतर तरीके से जो है ना ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। जो कमी आ रही है ना, वो है जो हमारी जो जो आम आवाम नास है उसकी गवर्नमेंट के उमूर्स में पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रही। और डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो जो उसका जो सक्सेसफुल लुबे लुबाब होता है वो पार्टिसिपेशन होती है। आप मौजूदा सिनारियों में देखें ना, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट को टच करता है, जो सोशल एस्पेक्ट है वो मिसिंग है। अभी आम आदमी से आप पूछें ये इनकी आपस की लड़ाई है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो हमारे जो लोग हैं वो उसमें उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, तो हम उनको पार्टिसिपेशन की तरफ ला सकते हैं। और यही गवर्नेंस का बेहतरीन असूल है कि आप जब तक पार्टिसिपेशन नहीं है आपकी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। डियर स्टूडेंट्स, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।